अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए आ, एन और दा का यूज़ लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश में। तो आपको कैसे पता चले कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आ द यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर्सन एनिमल आर थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक वी डज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल आर प्लुरल नाउन। मतलब कहाँ भी प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ नहीं होगा। इन इफ़ आ नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्स्टेंट साउंड बी सी डी एफ जी एच आई जे ई टी सी में ए कम बिफोर द नाउन लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अ कैट अ बर्ड। ठीक है, और अब क्या है एन। एन क्या है, आ यूज इन द फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक वी नॉट आई यूज एन बिफोर द अनकाउंटेबल आर प्लुरल नाउन। ठीक है, इफ आ नाउन स्टार्ट्स विथ ए वोवेल साउंड ए आई ए ई आई ओ यू एन कम बिफोर द नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन अंट, एन ऑरेंज। ठीक है, और द का यूज कैसे होता है। द वी यूज अ फ्रंट ऑफ आ नाउन इफ इट डज नॉट मैटर विदर द नाउन आर सिंगुलर प्लुरल काउंटेबल आर अनकाउंटेबल टू डिस्क्राइब सम्स आर समथिंग स्पेसिफिक आर यूनिक। ठीक है, मैं सब में लगेगा, नाउन होगा मतलब सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो उसमें भी यूज द का होगा, यूनिक होगा तो भी द का यूज़ होगा। द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर। अगर मेरी वीडियो करो, अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन करें ताकि मज़ीद वीडियो आप पहुँचे और आपको फ़ायदा दे। थैंक यू।